हम लोग एक गेट टुगेदर प्लान कर रहे हैं, यूं ही मिलने बैठने का बहाना कह लें, तो हम चाह रहे थे कि इर्तिजा को भी ज्वाइन करवाएं, बस उसे इनवाइट करने आए। वैसे नोमी, इर्तिजा तो अभी बाहर गया हुआ है, उसको बहुत अच्छी जॉब्स की ऑफर्स आ रही हैं, वो चाह रहा है कि किसी अच्छी जॉब का इंतखाब करे, इसी सिलसिले में गया हुआ है। वैसे जब वो आएगा तो मैं तुम्हारा मैसेज उसे कन्वे कर दूंगी। जी आंटी। असल में तो डैड भी बहुत ज़्यादा चाह रहे थे कि वो उनकी फर्म ज्वाइन करें। हाँ, मेरी नवीद भाई से बात हुई थी, उन्होंने बहुत अच्छी जॉब ऑफर की है इर्तिजा को। अस्सलाम वालेकुम मामा। अरे वालेकुम सलाम। चलो इर्तिजा आ गया, तुम लोग बैठ के बात करो, मैं चाय का कहकर आती हूँ। हेलो। हे, क्या हाल है? ठीक। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? बहुत अजीब हो यार तुम, दोस्तों को भूल जाते हो। तुम्हें याद है हमने मॉन्टेसरी भी साथ किया? बिल्कुल नोमी, और ये भी याद है कि हम साथ में यूनिवर्सिटी भी गए थे। मैं ग्रेजुएट कर गया, इंजीनियर बन गया, और आज मल्टीनेशनल कंपनीज में इंटरव्यूज दे रहा हूँ। और तुम अभी तक मास्टर्स कर रहे हो? इट्स ओके, क्या फर्क पड़ता है, एटलीस्ट दोस्तों का दोस्त हूँ ना। हाँ, we are proud of ourselves, right? I 100% agree. You know what, Irtiza? ये जॉब ढूंढने के लिए, करियर बिल्डिंग के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। We like to live life fully, in the moment, है ना? We love to enjoy life. Why not? लेकिन अपने अपने perspective की बात होती है। यार actually मैं उस दिन के लिए तुमसे apologize करना चाहता हूँ, थोड़ा ज़्यादा हो गया था, you know, जज्बाती हो गया था। Maybe. And secondly, I need to invite you to something. There's a little event. Event? Yeah, ek chota sa event rakh raha hu, get together. We alag alag karenge, mauj masti, dance fans. Nomi, tu to janta hai na yaar, mujhe is kisam ki parties mein aane mein koi interest nahi. And secondly, agar tum apologize kar rahe ho, I'll accept it. And yours too. Soch lo Irtiza, पार्टी में मेरी काफी सारी फ्रेंड्स आ रही हैं।